चलिए बेटा शुरू करते हैं अपनी यूनिट नंबर टू जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ठीक है, आपको पता होगा कि मैं 5 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। बच्चों हमारी 6th वीडियो है, 6th वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में। ठीक है, तो बेटा टॉपिक नंबर 3 शुरू होगा आज जेंडर सेंसिटिविटी यूनिट नंबर 2 का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझते होता क्या है, देखो भाई जैसे कि अभी हम बड़ा लास्ट वीडियो में लोगों पढ़ा था सोशल वेरिएबल्स होते हैं, कल्चरल वेरिएबल होते हैं, ये इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। तो जिस प्रकार हमारा समाज हमारी संस्कृति बिजनेस को इफेक्ट करता है, उसी प्रकार बड़ा जेंडर भी, जो लिंग है मेल और फीमेल, ये भी बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो हम यही पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर कि जेंडर सेंसिटिविटी होता क्या है और ये किस प्रकार बिजनेस को इफेक्ट करता है और उसको किस प्रकार रोका जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। देखो भाई ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिज्म मींस मनुष्य को बेटा दो पार्ट में बांटा गया है। मनुष्य को रिप्रोडक्टिव रोल के अनुसार, उनके रिप्रोडक्शन के अनुसार उनको दो पार्ट में बांटा गया है बेटा। एक है मेल और एक फीमेल। आप जानते हो कि एक तो मैन है और एक वुमेन है, ये दो प्रकार के लोग हैं हमारे वो वर्ल्ड के अंदर। और ये दो प्रकार के लोग दोनों अलग अलग है, अलग अलग मीन्स दोनों ही जो है, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों रिप्रोडक्टिवली बायोलॉजिकली दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का समाज में एक इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। जितना कंट्रीब्यूशन ये करता है उतना कंट्रीब्यूशन ये कर सकती है, या फिर जितना कंट्रीब्यूशन ये करती है उतना कंट्रीब्यूशन ये भी कर सकता है। दोनों का समाज में इक्वल इक्वल रोल होता है, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, इन्होंने इनके बीच अंतर पैदा कर दिया है, दोनों को अलग अलग रोल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा अक्सर डायलॉग बोलते हैं कि ये तो औरतों वाले काम है या फिर ये तो मर्दों वाले काम है। तो अलग अलग रोल दे दिए गए हमारे समाज ने, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो काम औरतों वाले होते हैं, इतनी जो काम फीमेल वाले होते हैं वो काम फीमेल ही करेगी, या जो काम मेल वाले होते हैं वो काम मेल ही करेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन किस काम में कितना सक्षम है, कौन किस काम में कितना कैपेबल है। तो ये जो मिथ है हमारे समाज में रखी है, ये मिथ हम लोगों ने नहीं बनाई। आगे लिखा भी है एंड डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ बोथ सेक्स, और इन्हीं काम के आधार पर हम दोनों के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन इज दैट कि जो मैन है हम करते क्या है, मतलब अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करूं कि समाज ने इनको अलग अलग बांट रखा है तो कैसे बांट रखा है। तो भाई अक्सर होता क्या है कि हम मैन को मानते हैं कि वो फिट है फिजिकली जॉब के लिए, बिकॉज वो टफ होते हैं, बोल्ड स्ट्रांग होते हैं, वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। तो हम लोग मानते हैं कि जो भी फिजिकल वर्क है वो मैन को करना चाहिए, और जो भी फिजिकल वर्क नहीं, जो डेस्क जॉब है, इट मीन जो बैठ के करने वाले काम, वो वुमेन को करना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि जो मैन है, मैन आर कंसीडर्ड एज ब्रेड अर्नर्स, हम उनको मानते हैं कि ये ब्रेड अर्नर्स है, ये घर को चलाने वाले हैं, ये पैसा कमा कमा के लेके आते हैं, यही बाहर जाकर काम कर पाएंगे। वुमेन के लिए बाहर जाकर काम करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बाहर जाकर काम करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और हम अक्सर अपने माइंड में एक इमेज बना के चलते हैं कि इन सब के लिए मैन ज्यादा फिट है एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है ना, दे आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, हम मानते हैं जो मैन है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। जो मैन है वो खुद काम करते हैं, खुद अर्न करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जबकि दूसरी ओर अगर बच्चों बात की जाए वुमेन की, तो क्या लिखा है कि वुमेन आर कंसीडर्ड बेस्ट सुटेड फॉर न्यूट्रिंग रोल्स बिकॉज दे आर सॉफ्ट हार्टेड काइंड केयरिंग एंड सेंसिटिव। हम मानते हैं जो वुमेन है वो घर के काम के लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, हम मानते हैं कि जो सॉफ्ट वर्क है, जो इजी काम है, उनके लिए वुमेन ज्यादा बेटर है, ये फिजिकल वर्क के लिए वुमेन बेटर नहीं है। हम क्यों मानते हैं, बिकॉज हम मानते हैं कि वो थोड़ी सेंसिटिव होती है, काइंड केयरिंग होती है और सॉफ्ट हर्टेड होती है, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि वो फिजिकल जॉब के लिए बेटर नहीं है एज कम्पेयर टू मैन। शी इज कंसीडर्ड एज होम मेकर एंड रिमेन एट होम, हम मानते हैं कि वो घर को चलाने वाली है, वो घर को बनाने वाली, इसलिए वो घर में ही रहेगी। जबकि मैन है वो ब्रेड अर्नर है, वो कमाने वाला, इसलिए घर के बाहर जाएगा और कमा के लेकर आएगा। ये थिंकिंग मेरी नहीं है, ये थिंकिंग हमारे पूरे समाज की है, जो कि थिंकिंग ऐसी ही बना रखी है। हमारे समाज ने बना रखी थिंकिंग औरतें पढ़कर क्या करेगी, लड़कियां पढ़कर क्या करेगी। अक्सर जो अनपढ़ लोग होते हैं, अनपढ़ लोग मीन जो पिछड़े समाज के लोग होते हैं, अक्सर इसी बात को बोलते हैं
कि क्या करेगी पढ़ लिखे भविष्य में, तो उसको चूल्हा चौका ही करना है। तो ये मिथ जो बना रखी है हमारे समाज ने, हमारे बैकवर्ड कंट्री ने, इसीलिए इंडिया आज बहुत पीछे। हमें इस मिथ को खत्म करना होगा, हमें इस वहम को खत्म करना होगा कि ऐसा नहीं है। और इसी चीज को बच्चों बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज के लिए माइंड में एक फिक्स इमेज बना लेना। जैसे कि हम फीमेल के लिए माइंड में एक फिक्स इमेज बना रखी है कि यार ये काम ये नहीं कर पाएगी, यार ये काम ये नहीं कर पाएगी, और मेल के लिए फिक्स इमेज है कि ये काम ये कर लेगा। तो अलग अलग जेंडर के अनुसार उनके वर्क को लेकर उनकी अलग अलग इमेज बना लेना ही जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। एग्जाम में पूछ सकता है 3 नंबर में कि जेंडर स्टीरियोटाइप होता क्या है। तो देखो भाई, इट इज अ फिक्स इमेज और आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन, कैटेगरी और थिंग। किसी भी थिंग के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए, किसी भी टाइप के पर्सन के लिए एक माइंड में फिक्स इमेज बना लेना, एक माइंड में फिक्स आइडिया रख लेना, जो कि क्या पता रियलिटी में वो ट्रू ना हो। कि हमने उसके लिए माइंड में एक फिक्स इमेज बना रखी है, क्या पता वो रियलिटी में ट्रू ना। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इमेज बना रखी है कि लड़की है जो है मान लो बाइक नहीं चला सकती, लेकिन क्या रियलिटी में ट्रू है? नहीं, ये रियलिटी में ट्रू नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स बाइक चलाती है। तो इसको ही बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, माइंड में किसी भी चीज के लिए फिक्स इमेज को बना लेना। दिस परसेप्शन, द परसेप्शन अबाउट द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ मैन और वुमेन इज कंसीडर्ड एज जेंडर स्टीरियोटाइप। तो किसी भी कैटेगरी के मैन या वुमेन के लिए एक परसेप्शन बना लेना, परसेप्शन मीन्स वही एक माइंड में फिक्स इमेज बना लेना कि यार ये ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। हम अक्सर मानते हैं कि अगर लड़ाई झगड़े की बात होगी तो मैन आगे रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या बना रखा है जेंडर स्टीरियोटाइप। घर में कोई अगर बाहर से किसी पड़ोसी से या किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम पुरुषों खड़ा करते हैं आगे, बिकॉज हम मानते हैं वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो वो इस चीज को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है भाई। और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अ गर्ल वियरिंग अ वेस्टर्न ड्रेस कैन बी स्टीरियोटाइप एज मॉडर्न और इंग्लिश एजुकेटेड। अब भाई किसी लड़की ने मान लो वेस्टर्न ड्रेस पहन, वेस्टर्न ड्रेस मीन्स मान लो शर्ट पैंट पहन रखी है, ठीक है। तो हम अक्सर एक माइंड में इमेज है कि यार देखियो शर्ट पैंट पहन रखी है तो थोड़ी पढ़ी लिखी लग रही है, क्या जरूरी है वो पढ़ी लिखी हो, क्या पता वो अनपढ़ हो, क्या पता उसको ABCD भी ना आती हो। तो हो सकता है कि आप, तो हमने एक ये एक इमेज है और कुछ नहीं है, ये एक इमेज है। चश्मे वाली लड़की को देख के यार चश्मा लगा रखा बहुत पढ़ती होगी, या कंपल्सरी है कि चश्मा लगाए तो बहुत पढ़ती होगी, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता। अ गर्ल वेयरिंग अ वेस्टर्न ड्रेस कैन बी स्टीरियोटाइप एज मॉडर्न और इंग्लिश एजुकेटेड, हम उसको मॉडर्न या फिर इंग्लिश एजुकेटेड मान सकते हैं। व्हाइल इन रियलिटी, क्या पता रियलिटी में शी मे नॉट फिट ऑफ एनी दीज लेवल्स, क्या पता वो इनमें से किसी भी लेवल पे फिट ना बैठती हो। द स्टीरियोटाइप ऑफ वुमेन एज बीइंग, और क्या स्टीरियोटाइप है, हम अक्सर ये मानते हैं कि वुमेन है थोड़ी दयालु होगी, सॉफ्ट हार्टेड होगी, इमोशनल होगी, ठीक है। वो लीडरशिप रोल, लीडरशिप रोल्स किसी को भी लीडरशिप रोल्स मीन्स कि आप आगे रहोगे और आप बाकी सबको गाइड करोगे। तो मानते हैं कि यार वो लीडरशिप रोल, वो जो है नेतागिरी में नहीं चल सकती, वो सॉफ्टेड है, काइंड हार्टेड है, तो उनके लिए ये सब वर्क नहीं है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। और एग्जांपल देखो कि मैन आर ऑफन स्टीरियोटाइप एज टफ, अग्रेसिव एंड रिस्क टेकर, वेयर एज जबकि वुमेन आर स्टीरियोटाइप एज सॉफ्ट इमोशनल एंड काम। हम मानते हैं कि माइंड में इमेज है कि अगर मैन है, पुरुष है, तो वो टफ होगा, बोल्ड होगा, अग्रेसिव होगा, स्ट्रांग होगा, रिस्क टेकर होगा, जबकि हमने मान रखा है अगर वुमेन है तो सॉफ्ट होगी, इमोशनल होगी, शांत स्वभाव की होगी, ठंडे दिमाग की होगी। मैन थिंक फ्रॉम देयर माइंड, हम मानते हैं ये स्टीरियोटाइप है, ये एक स्टीरियोटाइप है। हम मानते हैं कि मैन जो सोचते हैं दिमाग से, और हम ये मानते हैं कि वुमेन सोचती है दिल से, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसी चीज को बच्चों क्या बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप का नाम दिया गया कि मैन और वुमेन के लिए एक फिक्स इमेज बना लेना कि ये काम तो मैन के लिए है और ये काम वुमेन के लिए है, कि ये वुमेन वाला काम मैन नहीं कर सकता और ये मैन वाला काम वुमेन नहीं कर सकती। इसको बच्चों क्या बोला गया जेंडर स्टीरियोटाइप। अब ये किस प्रकार वर्क प्लेस को अफेक्ट करता, तो ये भी देख लो। ये बोल रहा है द स्टीरियोटाइप अफेक्ट्स द लेवल ऑफ affect two categories at workplace as well. कि workplace जहाँ पर आप काम कर रहे हो, ये stereotype वहाँ पर भी उस काम को भी प्रभावित करता है, और अक्सर इससे वुमेन को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वुमेन सफर करती है। जैसे कि हम मानते हैं
कि वुमेन कैसी है, सॉफ्ट होती है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, कम होती है, ठीक है, एंड इनकैपेबल ऑफ, मानते हैं वो निर्णय लेने में इनकैपेबल है, वो निर्णय ढंग से नहीं ले पाती। तो ये एक क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, इसलिए वुमेन को अक्सर हम कम जॉब प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू मैन, मैन को जॉब जल्दी मिलती है एज कम्पेयर टू वुमेन। दूसरा, दे असाइन ओनली लाइट जॉब, उन्हें अगर काम मिलता भी है तो काफी हल्का मिलता, जैसे कि क्या, उन्हें काम मिलता है सेक्रेटरी का, उन्हें काम मिलता है रिसेप्शनिस्ट का, या फिर उनको काम मिलता है टीचर का, नर्स, जो काफी लाइट जॉब है जिनमें ज्यादा आपको दिमाग मारने की नीड नहीं होती, ज्यादा आपको लीडरशिप क्वालिटी नहीं चाहिए, ज्यादा आपको जो है डिसीजन मेक नहीं करनी होती, ठीक है। डिनाइड हायर पोजिशन एट वर्क प्लेस इन द कंपनी, कंपनी में हायर पोजिशन के लिए उनको मना करते कि नहीं, इस पोजिशन के लिए आप फिट नहीं हो, क्योंकि तो हमने एक ऐसी इमेज बना रखी है कि अगर वुमेन को हमने जो है जॉब प्रोवाइड कर दी तो क्या पता कल को अपने परिवार की वजह से ये कंपनी छोड़ दे, क्या पता कल को अपने बच्चों की वजह से ये कंपनी छुट्टी करने लग जाए। तो इस प्रकार के थिंकिंग की वजह से उनको जो है जॉब सही से प्रोवाइड नहीं हो पाती, इसको ही बोला गया है जेंडर स्टीरियोटाइप। कैन नॉट डिवोट एडिशनल टाइम बिकॉज ऑफ हाउसहोल्ड कोर्स, ये बोल रहा है कि वुमेन जो है अपनी कंपनी में अपने वर्क प्लेस पर ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी, ज्यादा क्या, एक्स्ट्रा टाइम दे सकती, क्यों, क्योंकि उसको घर के भी काम होते हैं, उसके माइंड में रहता है कि जब 8 बजे और मैं घर जाऊं, 8 बजे मैं घर जाऊं, वो ओवर टाइम या एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं कर सकती, ठीक है। इसीलिए वुमेन को जो है कम जॉब मिलती है एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि हमारे माइंड में थिंकिंग है कि वुमेन जो है इन जॉब्स के लिए फिट या सूटेड नहीं है, ठीक है। ओके भाई, तो ये तो हो गया जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, या फिर जेंडर सेंसिटिविटी, पूरा टॉपिक देखो, टॉपिक का नाम पूरा जेंडर सेंसिटिविटी है, उसके अंदर हम लोग छोटे छोटे पार्ट पढ़ रहे हैं। अब अगला पार्ट बच्चों क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद। अब ये क्या होता है, जब मैन और वुमेन को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलती है उनके जेंडर के अनुसार, कि मैन है तो आपको अलग ट्रीटमेंट मिल रही है, वुमेन है तो आपको अलग ट्रीटमेंट मिल रही है, इट मीन्स दोनों को सेम लेवल पर लेकर नहीं चल रहे। जब मैन और वुमेन को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलती है, ठीक है, उनके जेंडर के अनुसार, इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल देखो, देर आर वैरायटी ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिनमें हम जो देखते हैं कि दोनों काम अलग अलग है, या फिर हम देख सकते हैं कि दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रही है। जैसे कि एक होता है फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या लिखा है कि कभी कभी सेम जॉब के लिए समटाइम वुमेन आर पेड लेस जबकि मैन को मिलते ज्यादा। तो ये क्या है, काम सेम है लेकिन वुमेन को मिल रहे कम और मैन को मिल रहे हैं ज्यादा, इसको बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और एग्जाम्पल देखो, प्रोफेशनल ड्रॉबैक, जब वुमेन एम्प्लॉय होती है माइट मिस प्रमोशन और अदर अपॉर्चुनिटीज, उनको प्रमोशन नहीं मिलता, उनको अदर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, क्योंकि जब बात ट्रांसफर की आती है, जब बात लंबे समय तक ओवर टाइम करने की आती है, तो वुमेन पीछे रहती है, उसका अगर वुमेन का ट्रांसफर हो तो फैमिली जल्दी अलाउड नहीं करती, या फिर लंबे समय तक के लिए ऑफिस में काम करने को फैमिली अलाउड नहीं करती, दैट्स व्हाई उनका प्रमोशन रुक जाता है, उनको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलने से रह जाती है। अगला, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ वुमेन एम्प्लॉई, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, इसमें लिखा है कि टॉप पोजीशन आर यूजुअली डिनाइड टू वुमेन, जो टॉप पोजीशन है, जो भारी भरकर काम होते हैं, उसमें वुमेन को हम अक्सर मना कर देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में थिंकिंग है, हमने एक स्टीरियोटाइप थिंग बना रखी है कि जो वुमेन है उसमें क्या होती है, लैकिंग इन लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल्स नहीं होती, उनमें अग्रेशन होता है, या फिर उनके पास क्या होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसकी वजह से कंपनी में उनको टॉप पोजिशन नहीं मिल पाती, कंपनी में उनको जो है छोटे मोटे काम करने पड़ते, उनको लाइट जॉब करनी पड़ती है, ठीक है भाई। अगला बच्चों टर्म है ग्लास सीलिंग। अब ये ग्लास सीलिंग क्या होता है, तो आपको पिक्चर से चल रहा होगा पता कि एक पिक्चर है, उसमें नीचे एक लेडी है जो ऊपर पहुंचना चाह रही है, लेकिन बैरियर्स लगा दिए ग्लास, बट ग्लास का मतलब होता है इनविजिबल, कि आर पार देख सके, इट मींस बैरियर है, वो ऊपर नहीं जा, देखो ना वो पिक्चर में ऊपर जाना चाहती है, ऊपर नहीं जा पा रही, क्योंकि बीच में क्या है, बैरियर है, एक उसके बीच में क्या है, दुविधा है, दुविधा मीन्स बैरियर, एक संकट है, वो ऊपर नहीं जा पा रही, और संकट ऐसा है कि वो दिख नहीं रहा, वो दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि ग्लास का ट्रांसपेरेंट। तो इसको यही बोला गया कि ग्लास सीलिंग, इसको हम लोग स्टिकी फ्लोर भी बोल सकते हैं, तो बोला गया ग्लास सीलिंग या स्टिकी फ्लोर सिंड्रोम, एक ऐसा इनविजिबल और आर्टिफिशियल बैरियर, इसको इनविजिबल इसलिए बोला गया क्योंकि ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, तो एक ऐसा इनविजिबल
अनदेखा या आर्टिफिशियल बैरियर है जो कि होता नहीं है, एक्चुअल में बैरियर नहीं। क्या लिखा है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है कि खुद बनाया गया, एक्चुअल में बैरियर नहीं है, लेकिन हमारे थिंकिंग की वजह से कि हमने सोच रखा है कि वुमेन है तो जैसा तक काम नहीं कर पाएगी, ये वुमेन है तो उसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, ये वुमेन है तो अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, ये वुमेन है इसको जल्दी भेजना पड़ेगा, ये वुमेन है तो उसकी जो है केयर भी हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब माइंड में थिंकिंग होने की वजह से क्या, वुमेन अगर काम करने आएगी तो ज्यादा टेंशन, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिस की या कंपनी की बढ़ जाती है। तो इसीलिए अक्सर हमारा माइंड में थिंकिंग है कि वुमेन को जॉब पे नहीं रखना, अगर वुमेन है तो उसको जॉब पर नहीं रखना, कल को उसकी शादी हो जाएगी जो कंपनी में काम करे ना करे, जब कल को उसके बच्चे हो जाएंगे तो क्या पता कंपनी में लेट आए वो या काम करना ही छोड़ दे। तो ये माइंड में हमारी थिंकिंग है कि हम इसी पर्पज से वुमेन को जॉब नहीं देते, और ये थिंकिंग जो माइंड में हमारी थिंकिंग है ये एक्चुअली हमारी थिंकिंग है कि हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन सामने वाली वुमेन के लिए बैरियर है, क्योंकि जब हम इस सोच को नहीं निकालेंगे हम उसको जॉब नहीं दे पाएंगे, उसके पास ये उसके लिए एक बैरियर है जो हमारे माइंड में थिंकिंग है। तो इसी बैरियर को बोला गया है ग्लास सीलिंग। क्या लिखा गया कि ग्लास सीलिंग एक इनविजिबल, एक आर्टिफिशियल बैरियर है क्रिएटेड एट द वर्क प्लेस, जो कि वर्क प्लेस पे क्रिएट कर देते हैं ड्यू टू प्रिजुडाइज अगेंस्ट वुमेन फॉर सम ऑफ द रीजन, कि कुछ भी रीजन देकर हम वुमेन को आगे नहीं बढ़ने देते कि यार तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम कैसे काम करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम कैसे काम करोगे, तुम ऑफिस में देर तक रुक नहीं सकते हो, तुम ट्रांसफर कर, तो इन्हीं रीजन की वजह से हम वुमेन को रोक लेते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देते, और यही क्या है उसके लिए बैरियर है। इसको क्या बोला गया है? ग्लास सीलिंग बोला गया है। इट इज बेस्ड ऑन वुमेन स्टीरियोटाइपिंग। ये किस पर बेस्ड है? वुमेन स्टीरियोटाइपिंग पर बेस्ड है, बिकॉज हमारे माइंड में थिंकिंग है ऐसी कि ऐसा ऐसा होगा इसलिए उसको काम ना दो। क्या पता ऐसा ना हो भाई, जो आप सोच रहे हो क्या पता है वैसा ना हो। दिस इज वाई इवन टूडे, इसीलिए आज भी स्टैटिस्टिकली अगर आंकड़ों की बात करें, वेरी फ्यू वुमेन बिकम हेड्स ऑफ कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की संस्था की जो हेड है बहुत ही कम केस में वुमेन बनती है, मोस्टली केस में मैन ही बनते हैं। और आखिरी टॉपिक, आखिरी क्वेश्चन, हाउ वी कैन बिल्ड एंड सेफ एनवायरमेंट फॉर वुमेन, हम वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए एक सेफ एनवायरमेंट कैसे बना सकते हैं, या फिर वेज टू डेवलप जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो पहला, मैन शुड रिस्पेक्ट वुमेन, कंसीडर देम एज ह्यूमन बीइंग नॉट एज इट्स ऑब्जेक्ट, मैन को वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको भी एक इंसान समझना चाहिए, आप उसको अपनी वस्तु नहीं समझ सकते। दूसरा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मस्ट बी अवॉइड, जो कंपनियों में ऑर्गेनाइजेशन में हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग माइंड में लेके चलते हैं कि वुमेन है तो ये काम नहीं कर सकती, हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। एनकरेज जेंडर फ्रेंडली एनवायरमेंट, हमें इक्वलिटी लानी चाहिए, अगर मेल है फीमेल है तो ऐसे बात करो कि इक्वलिटी लगे, ऐसा ना हो कि आप किसी फीमेल के आते ही आपने बात करना बंद कर दिया कि यार ऐसे ऐसे इसके सामने बात करूंगा तो इससे बोल दो उससे बोल दो, भाई माइंड में ये भी तो होता है चुगली वाला साहब ना, आपने चुगली गॉसिपिंग कि हम किसी भी वुमेन के सामने कुछ बात करेंगे तो जाकर गॉसिप कर देगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जेंडर फ्रेंडली एनवायरमेंट बना होना चाहिए। अरेंज टाइम टू टाइम वर्कशॉप एंड सेमिनार अबाउट जेंडर सेंसिटिविटी, कंपनी को समय समय पर अपनी कंपनी में या अपनी सोसाइटी में जेंडर को लेकर, लिंग को लेकर वर्कशॉप और सेमिनार करने चाहिए। ईच एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल, हर एम्प्लॉय को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना चाहिए, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कंपनी में नहीं होना चाहिए। तो भाई ये तो हो गया हमारा पूरा टॉपिक जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर, ये होता है क्या, इसमें क्या क्या बातें आती है, ये टॉपिक हमारा पूरा कवर है, ठीक है भाई। अब चैप्टर बचता है थोड़ा सा, तो अगली वीडियो में चैप्टर को फिनिश हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच, बड़ा मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजें, आपको फॉलो बैक मिल जाएगा, या आप मेरे को व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करें, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे चैप्टर को देखने के लिए लोगों को शेयर करें, और आप इसको जो बेल आइकन को दबा लें ताकि आपकी वीडियोस आगे टाइम पर आपको मिलती रहे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।